75 साल में बिजली का निर्माण ही सही नहीं कर पाए। क्या सेविंग होगी मुझे बताएं आप, 6 बजे 7 बजे कारोबार स्टार्ट होता है, 8 बजे बंद हो जाएगा, तो हम लोगों को तो और मजीद परेशान किया जा रहा है। आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे, ये 62 अरब रुपया क्या 62 लाख की भी बचत नहीं कर सकते। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी एक दो रोज पहले मैंने देखा चैनलों पे कि वजीरों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, क्यों बढ़ाई हैं भाई? कारोबार नहीं होगा तो भैया हुकूमत को टैक्स कैसे मिलेगा, वो अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? देखा, हम हमारी कराची कमिश्नर से, धारीजो साहब से और सईद गनी साहब से ये हमारी मीटिंग हुई थी तकरीबन 3-4 दिन पहले। उन्होंने खुल के बात करी, जो अक्सर है तो उसका फैसला कर, 99% अक्सर जो अपने 9 बजे का दुकान बंद करने का बात है, मेरी जो 11 से लेकर 12 बजे तक, और ऑनलाइन सर्विस जो है रेस्टोरेंट वगैरह वो 24 घंटे खुले रहेंगे, वो भी 11 से 12 बजे तक। अब इन्होंने सारी बातें तय कर ली, उस वक्त फैसला नहीं बता सुनाया था, आज ये फैसला सुनाया काजा आसिफ कि हम 8:30 बजे बंद कर देंगे। मेरे भाई, इससे कोई बिजली बचने वाली नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम आधे घंटे का फर्क, हम ये करेंगे सुबह 8 बजे खोलेंगे, हम 11 बजे बाज़ार खोलेंगे और 9 बजे बाज़ार बंद करेंगे और रेस्टोरेंट अब एक साथ सब खोल देंगे, ट्रैफिक सारा जाम हो जाएगा, सारी परेशानी हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी, ये कौन देखेगा? ये 62 अरब के आप डबल कर लें, बल्कि 3 गुना कर लें, अगर ये लोग अपने खर्चे बंद कर दें, अगर अपने खर्चे बंद कर दें तो ये 62 अरब के मैं कहता हूँ कि 3 गुना ज़्यादा सेविंग हो जाएगी, अगर ये अपने खर्चे बंद कर दें और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें, आवाम को छोड़ें, आवाम से 1-2 घंटे के लिए लाइट्स जो है वो सेव करने से और इस तरह कारोबार बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिला वजह की बेवकूफ़ी वाली बातें इनकी, इनको गवर्नमेंट सही तरह चलाना आती नहीं है, उठा के ये मलबा जितना भी होता है वो ताजिरों के ऊपर डाल देते हैं। क्या सेविंग होगी मुझे बताएं आप, 6 बजे 7 बजे कारोबार स्टार्ट होता है, 8 बजे बंद हो जाएगा, तो हम लोगों को तो और मज़ीद परेशान किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। और ये लाए अमल भी सिर्फ कराची के लिए है, इसके अलावा तो आप देखें कहीं भी कोई लाए अमल नहीं होगा, ये तो मेरे हिसाब से तो कोई भी फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, ये बिला वजह की बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ज़्यादती की भी कोई इंतहा, अगर ज़्यादती से बड़ी कोई चीज़ है तो वो हो रही है। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी एक दो रोज़ पहले मैंने देखा चैनलों पे कि वजीरों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, क्यों बढ़ाई हैं भाई? ये 62 अरब वहीं जाएगा, हैं 62 अरब वहीं जाएगा मेरा ख्याल है कि नहीं जनाब? तो ये 62 अरब बचाएंगे तो आवाम को? नहीं नहीं ना, आवाम को कहाँ आएगा यार, आवाम अच्छा। को कहाँ आएगा? कि आप भी यार कैसी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सियासतदानों को जो वजीर बैठे हुए हैं अच्छा। उनकी तनख्वाहें जो बढ़ी हैं वो यहाँ से लेंगे। ये जुल्म तो हम पर ही हो रहा है, ताजिरों के साथ ही हो रहा है, कुछ भी हो जाए, लोड शेडिंग भी ख़त्म नहीं हो रही है, टैक्स वैक्स सब भरने के बावजूद भी, गवर्नमेंट के अहकाम को मानने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब ये हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई 10 बजे टाइम सही है, कारोबार रात का है, मगर चलो गवर्नमेंट कह रही है 9 बजे का, तो हम 9 बजे तक राजी, इससे पहले बंद नहीं कर सकते। अब 8 बजे 8:30 बजे कभी 7 बजे तो ये तो तरीका है नहीं, बल्कि मईशत तबाह हो रही है और ख़ुद की हुकुमरानी भी ख़राब हो रही है और हमारी नज़रों से भी गिरते जा रहे हैं लोग, जो भी कानून पेश कर रहे हैं वो गलत पेश कर रहे हैं। तो कम से कम चलो अब हद है कि हालात के हिसाब से 9 बजे तक तो कम से कम कोशिश करवा रहे। आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे, ये 62 अरब रुपया क्या 62 लाख की भी बचत नहीं कर सकते? ये 62 अरब रुपये की बचत करके अपने मुशीरों और वजीरों की जो है ना फौज पाली भी इन पे खर्च करेंगे, ये आवाम पे खर्च नहीं करेंगे, इनको चाहिए कि आवाम पे खर्च करें। आप भी इधर ही हैं, मीडिया भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं, आप देखें ये 62 अरब रुपये की बचत करते हैं, ये 62 अरब रुपये जाते कहाँ पे? और अव्वल तो इससे कोई बचत होगी नहीं, उल्टा नुकसान होगा मुल्क का, मुल्क के लिए सोचें। 75 साल में सियासतदानों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, तबाह बर्बाद। इस हुकूमत ने 8 साल में पाकिस्तान 8 महीने में तबाह बर्बाद कर दिया, इसमें किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपना फ़ायदा देकर अपना उल्लू सीधा करें, अपने ऐप छुपा रहे, इसमें 1 रुपये का किसी का फ़ायदा नहीं है। खुदा के वास्ते सियासतदानों को देखा जाए और इलेक्शन फ़ौरन कराया जाए, जब जाके मसला होगा। एनर्जी क्राइसिस के 75 साल में हम ढाका से पीछे चले गया, इंडिया से पीछे चले गया, 75 साल में हम बिजली का निर्माण सही नहीं कर पाए, कौन ये पैसे खा रहे, कौन ये मसले है, सारे अपने उल्लू सीधा करें, इससे हमारे इस चीज़ से कोई से फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। 75 साल हो गए पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, यही लोग फूलते फलते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब से गरीब तर हो चुके हैं, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, आवाम तो वहीं की वहीं खड़ी है। जो टैक्स पेयर लोग हैं बेचारे, उनको तो रिटर्न, आप रोडों की हालत ही देख लें, गटर उबल रहे हैं, सर्दियों में घर जाओ तो गैस नहीं है, गर्मियों में घर जाओ तो बिजली नहीं है, परेशान तो आवाम ही है ना। आप खुद देखें ना, ये कराची की आवाम है, आप शाम को घर बार होता है, लोग घरों को जाएंगे, तैयारी करेंगे, किस तरह हम 10 बजे हम किस तरह हम मैनेज कर पाएंगे,
सब परेशान हो जाएंगे। कम से कम शादी वालों की 12 बजे की टाइमिंग चाहिए और ताजरों की कम से कम 9 बजे तक तो होनी चाहिए। ये इन्होंने 8:30 बजे की टाइमिंग दी है, 8 बजे से यहाँ पर पुलिस वाले सायरन बजाना शुरू कर देंगे, टेंशन फैलाना शुरू कर देंगे। और जो ताजिर अगर 10 मिनट 15 मिनट, एक बात है, अगर मेरे पास कोई कस्टमर लगा हुआ है तो आधा घंटा भी 15-20 मिनट भी थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ, अगर मैं हो जाता हूँ तो वो जी लो जी कमिश्नर आ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, चलान कर दो इस दुकानदार का। अरे भाई, दिन में हमने कमाए 5,000 रुपये, चलान के तुम्हें 25,000 रुपये कहाँ से दें? तो ये सिर्फ और सिर्फ ताजिरों को परेशान करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। अगर हॉल की टाइमिंग 10 बजे की करते हैं, 8:30 बजे अगर दुकानदार यहाँ से जाएगा, अगर यहाँ से नाजमाबाद में मैं जाता हूँ तो जितने ट्रैफिक में मैं जाऊँगा 10 तो मुझे सिर्फ पहुँचने में ही लग जाएंगे, तो उसके बाद मैं क्या शादी अटेंड करूँगा, कहाँ मैं जाऊँगा? तो शादियों का हाल, ये शादी हॉल की टाइमिंग कम से कम भी 11:30 से 12 की होनी चाहिए और मॉल की टाइमिंग 9 बजे तक की लाजमी होनी चाहिए, वरना कस्टमर वैसे ही दुकानदारों का बेचारों का सारा काम रुका हुआ है। अभी भी हम काम नहीं करेंगे, 8:30 बजे बंद करके चले जाएंगे तो हमारा तो बिल्कुल ही हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा काम का। सब ने एनर्जी सेवर लगाए हुए हैं और जो है कस्टमर आने पर भी लाइट जलाते हैं, इसके अलावा जो है ना एक्स्ट्रा लाइट जो है वो जलाते ही नहीं है। इसकी वजह से कि आजकल की जो आमदनी है उसमें बिजली का बिल इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सारी चीज़ों को देखना है, आदमियों को देखना है, उनकी तनख्वाहों को देखना है, हुकूमत को टैक्स देने का देखना है, तमाम चीज़ों का देखना है। हम तो सारी चीज़ें देख के चलते हैं, लेकिन इसके बदले में हुकूमत जो है सिर्फ एक ऑर्डर से चीज़ करे तो इसमें ताजिर नुमाइंदों को बिठा के सारी चीज़ें करके और इसका एक बेहतर जो है ना हल निकालें, ताकि सब चीज़ें जो है ना वो अपने हिसाब से चलती रहें। कारोबार नहीं होगा तो भैया हुकूमत को टैक्स कैसे मिलेगा, वो अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे आगे, उसके लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं, इसको पूरा एक बैठ के सोचने की ज़रूरत है।